नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी बताऊंगा कि इसमें कितने राज्य हैं और इनका गठन कब हुआ, कितने राज्य कितने जिले हैं और इसको याद कैसे रखा जा सके। तो देखिए दोस्तों, ये सपोज मध्य प्रदेश हुआ और ये छत्तीसगढ़ हुआ। मध्य प्रदेश जो बना था 1956 में बना था और मध्य प्रदेश से टूट के ही छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश टूट कर छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश का 30.47% मध्य प्रदेश का टूट कर छत्तीसगढ़ बना। और 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट बने छत्तीसगढ़ के साथ, दो और स्टेट बने, वो क्या क्या है। 1 नवंबर 2000 को बना आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बना आपका उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बना आपका झारखंड। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि उत्तराखंड पहले या झारखंड पहले। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, आप छ ये याद रखना, छ से छत्तीसगढ़, उसे उत्तराखंड और झ से आपका झारखंड, लास्ट में दो स्टेट में दोनों में खंड खाने, ये आपको याद रखने में आसानी हो सकता है। और 1 नवंबर 2000 को बना तो ये छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था भारत का। इसी प्रकार उत्तराखंड हो गया आपका 27वां और झारखंड हो गया 28वां। हम तो देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 16वां बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से 16वां है और क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 135 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं ले लेते हैं 192 भी लेते हैं। अब कोई सा भी ले सकते हैं 1 या 2, कोशिश कीजिएगा अगर दोनों साथ में ले दिए तो 2 वाला आंसर ले लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग और कितने जिले थे, और वर्तमान में कितने संभाग और कितने जिले हैं, उन संभाग और जिलों को हम लोग कैसे याद रख सकें। तो मैं आपको अपने तरीके से एक मैप बनाया हुआ हूँ, उस हिसाब से आपको ये बताऊंगा कि उस संभाग और जिलों को याद कैसे रखा जा सके और आपको कभी भूलेगा नहीं वो। तो सपोज अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संभाग है 5 और जिले हैं 27। तो हम लोग पहले संभाग को देखते हैं, उसके बाद 27 जिला मैं आपको रटवा दूंगा, आपको कभी भी भूलेगा नहीं कि 27 जिला में कौन कौन से जिला कहाँ पे है। तो पहले देखते हैं, चलिए संभाग, मैं इस छत्तीसगढ़ को 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांट दिया। ये एक एक संभाग है दोस्तों। कोई भी राज्य जब बनता है तो वो पहले संभाग में टूटता है, फिर जिले में, फिर विकासखंड, तहसील, ग्रामों में, ऐसे वो टूटते जाता है। तो सबसे ऊपर जो है वो है आपका सरगुजा संभाग, उसके जस्ट नीचे आपका बिलासपुर संभाग, इस तरफ है दुर्ग संभाग और यहाँ पे आपका रायपुर संभाग और लास्ट हो गया आपका बस्तर। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। अब ये तो हो गए संभाग, अब आपको 27 जिले कैसे याद रखने हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अच्छी बात ये है कि हर संभाग में 5-5 जिले हैं, 5, 5, 5, 5 सिर्फ बस्तर को छोड़कर। ये बड़ा एरिया है, इसमें 5×20 हुआ और बच तो 7 हुआ, 7 जिले यहाँ पे हैं। तो टोटल 27 जिले हो गए। अब चलिए देखते हैं कि एक एक संभाग में जो 5-5 जिले हैं वो कौन से हैं और बस्तर में जो 7 जिले हैं वो कौन से हैं। स-
सबसे पहले आप जुल्म संभाग की तरफ आइए, आपको मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने और इसको तीन पार्ट में पार्ट दिया, और ये जो ऊपर वाला लाइन है उसके जस्ट ऊपर, मतलब ये लाइन की ये ऊपर है, सेम यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ मैं ऐसे स्लॉट बना दिया। तो अब यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 तो पांच भागों में बढ़ गया। तो देखते हैं ये क्या क्या है जिले में। ये हो गया आपका दुर्ग जिला, ये नीचे बालोद जिला है और ऊपर आपका बेमेतरा, ये कवर्धा हो गया, ये हो गया आपका राजनांदगांव। तो दुर्ग संभाग के पांच जिले हो गए, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। कवर्धा को आजकल कबीरधाम भी कहा जाता है, कवर्धा को आजकल कबीरधाम भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं रायपुर संभाग की ओर। ये मैंने ऐसे स्लॉट बनाया, इसको ये वाले लाइन के भी ऊपर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊंगा और इसको कवर कर लूंगा, फिर इस पोर्शन को ऐसे और इस पोर्शन को मैं ऐसे मिला दूंगा। ये हो गया मेरा बलौदा बाजार, ये हो गया बलौदा बाजार, ये हो गया मेरा रायपुर, ये हुआ धमतरी, ये गरियाबंद और ये महासमुंद। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। तो दुर्ग और रायपुर के पांच पांच जिले आपको याद हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर की ओर हम लोग बिलासपुर संभाग की ओर चलते हैं। तो बलौदा बाजार को आप रिफरेंस मानेंगे और यहाँ से 1, 2 और 3 बलौदा बाजार का रिफरेंस मानते हुए 1, 2, 3 लाइन मैंने खींचा और ये तीसरा वाला जो स्लॉट था उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं ये कौन कौन से जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी पांच स्लॉट तैयार हो गए। ये हो गया आपका मुंगेली, ये हो गया बिलासपुर, ये हो गया मुंगेली, ये बिलासपुर, ये हो गया आपका कोरबा, ये हो गया जांजगीर चांपा और ये जो बचा वो है आपका रायगढ़। तो बिलासपुर संभाग के भी पांच जिले हो गए। अब हम लोग चलते हैं सरगुजा संभाग की ओर। तो यहाँ पे मैंने बलौदा बाजार को रेफरेंस माना था, अब यहाँ पे मैंने कोरबा को रेफरेंस मान के यहाँ पे 1, 2 पार्ट में डिवाइड किया और इस पोर्शन को हाफ किया और ये और पोर्शन को भी बीच से ले रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया अपना कोरिया, ये हो गया सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये जो है सरगुजा और ये हो गया आपका जसपुर। तो टोटल अपने पास 20 जिले हो गए और बचे 7 जिले बस्तर संभाग के। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो धमतरी है, धमतरी का हम रेफरेंस लेके एक ऐसा स्लॉट बनाते हैं और यहाँ से स्ट्रेट आगे मैं इसको सीधे ऐसे ले आता हूँ, फिर इसके बीचों बीच से एक टिप्पा बनाता हूँ और यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। तो ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये आपका है कांकेर, ये आपका है नारायणपुर, ये है आपका कोंडा गांव, ये है आपका बीजापुर, ये आपका हो गया दंतेवाड़ा, सुकमा, ये आपका दंतेवाड़ा सुकमा। अब ये जो बचा वो है बस्तर। तो दोस्तों देखिए ये पूरे 27 जिले इस मैप के थ्रू मैं आपको बता दिया। कि मैप याद रखने का फायदा क्या है, सपोज आपको पूछा कि रायपुर के उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, दक्षिण में कौन सा जिला, तो देखिए रायपुर के उत्तर में बलौदा बाजार, दक्षिण में आपको हो जाए धमतरी, और पूछा कि आपको कांकेर जिला किस किस जिले से लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, इस तरह से आप बता सकते हैं कि इतने इतने जिले से लगा हुआ है उसका इस ये वाला मैप का ये फायदा। तो दोस्तों आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और मैं इसको आगे अपने कंटिन्यू करते रहूंगा। आपको पीएससी और वैकम की पूरी सिलेबस मैं कंटिन्यू करके आप कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स में कवर करा दूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।